नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा इस दुनिया के सबसे बेहतरीन रत्न कौन सा रत्न किस देश से आता है। जब व्यक्ति मार्केट में अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे खर्च करके रत्न खरीदने जाता है तो उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप दुकानदार से जो चीज़ कहें वह आपको मिल सके। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर हरिद्वार आकर मुझसे मिल भी सकते हैं। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के प्रिय रत्न माणिक के विषय में। इस दुनिया में सबसे बढ़िया माणिक बर्मा से आता है, म्यांमार से आता है। बर्मा की जो टॉप माइंस थी वह 50-60 साल पहले बंद हो गई, अब न्यू बर्मा के नाम से आता है। सेकंड साउथ अफ्रीका का माणिक सबसे अच्छा है, मोजाम्बिक उसको बोलते हैं। और थर्ड पे इंडियन माणिक रियल होता है लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी और चमक बहुत ज़्यादा नहीं होती। मोती सबसे अच्छा बसरा का है, दूसरे नंबर पर साउथ सी है। मूंगा सबसे अच्छा इटली से आता है, इंडियन मूंगा भी मार्केट में अपना वजन रखता है लेकिन सबसे बढ़िया मूंगा सिंदूरी मूंगा जिसको बोलते हैं वो इटली से आता है। इटली के समुद्र की लकड़ी होती है एक तरह की। दोस्तों, पन्ना टेढ़ी खीर है। इस दुनिया में सबसे बढ़िया जो पन्ना वर्तमान समय में निकलता है वह जाम्बिया से निकलता है, साउथ अफ्रीका में इसकी बड़ी बड़ी खाने हैं। सेकंड कोलंबिया से बहुत बढ़िया पन्ना आता है और कभी कभी कोई माइंस पन्ने की निकल जाती है आपकी रसिया में, रसिया का पन्ना हल्का श्यामला होता है। दोस्तों, पुखराज सबसे बेहतर आपको मिलेगा श्रीलंका में। बर्मा का है तो ट्रीटमेंट होने की इसमें चांसेस रहते हैं, बैंकॉक का है तो ट्रीटमेंट होता है और बहुत बढ़िया ट्रांसपेरेंस पत्थर नहीं होता। तो पुखराज आप खरीदें तो श्रीलंका का खरीदें, सबसे बेहतरीन पुखराज श्रीलंका। अब डायमंड गोलकुंडा इंडिया में एक जगह है, सबसे अच्छे हीरे वहाँ पर निकलते हैं, आज भी निकलते हैं, सबसे अच्छा हीरा वहाँ का है। और यदि आप हीरा नहीं खरीद सकते, हीरा काफ़ी महंगा होता है, एक सवा लाख का छोटा सा पीस बन जाता है, तो आप फायर ओपल पहनिए, क्योंकि आजकल फायर ओपल का ट्रेंड है। ऑस्ट्रेलिया का पत्थर है, ये देखिए आप स्क्रीन पर, सबसे बढ़िया फायर ओपल ऑस्ट्रेलिया से आता है। इथोपियन ओपल खरीदने से आप बचें, हो सकता है उसमें कुछ टाइम बाद उसका रंग वंग उड़ जाता है, चांसेस रहते हैं इस चीज़ के। नीलम कश्मीर का पूरी दुनिया में नंबर एक का नीलम है, 50-50 लाख का एक पीस होता है लेकिन 30-40 साल पहले वहाँ से नीलम निकलना बंद हो गया था, कभी कभी निकलता है, किसी किस्मत से मिल जाएगा। बैंकॉक का नीलम ट्रीटमेंट होने के चांसेस रहते हैं, बहुत बढ़िया नहीं। सबसे बेहतरीन नीलम इस समय श्रीलंका से आता है। और दोस्तों, गोमेद सबसे बेहतर श्रीलंका से और लहसुनिया सबसे बेहतर आता है ईरान से। तो यह मैंने आपको बहुत संक्षेप में, बहुत कम टाइम में बहुत ही सटीक जानकारी दी। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, आप दुकानदार से मांगते हो नीलम चाहिए, अब वह अपनी मन मर्जी से आपको सामान देगा, दो साल बाद आदमी को अक्ल आई मुझे ये नहीं ये खरीदना चाहिए था, अब दुकानदार कहेगा आपने मुझे वो बताया था। तो आप दुकानदार से कंप्लीट कहें, कंप्लीट उसको बताएं आपको क्या चाहिए ताकि बाद में आपकी गलती ना निकले। और मैं कामना करता हूं कि जानकारी आपके काम आएगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सटीक जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, अपने परिवार तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर भी करें। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी शानदार जानकारी के साथ, भविष्य में भी वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे। तब तक के लिए नमस्कार।